नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुदेव पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी NSP स्कॉलरशिप भर रहे हैं और आपको जो है कुछ इस तरह से यहां पर दिख रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम राइट नाउ, तो ये जो है प्रॉब्लम कैसे आता है और आप लोग इसको जो है कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी इसको जो है कैसे सुधार सकते हैं कि आपको जो है अपना स्कीम मिले, तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एकेडमिक डिटेल्स में ध्यान रखना है कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला मेन बात जो है आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो है यहाँ पर सबसे पहले शुरू वाले में आएंगे, ठीक है, जहाँ से आपने फॉर्म शुरू किया है, ठीक है, यहाँ तक आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर आपने जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है वो सारा डिटेल्स सही है कि नहीं, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपके माता पिता के नाम से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम जो है मेन, और यहाँ पर जेंडर जो है एकदम सही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर पोस्ट मैट्रिक भर रहे हैं, यानी कि 10th पास अगर आप हैं और कोई स्कॉलरशिप भर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है पोस्ट मैट्रिक होना चाहिए या टॉप क्लास या, ठीक है, या MCM ये होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में आपका स्कॉलरशिप होना चाहिए। अगर आपको इंसेंटिव लेना है तो इंसेंटिव होना चाहिए, नहीं तो अधिकतर तो आप स्कॉलरशिप वाले होंगे तो स्कॉलरशिप होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स आपका सही होना चाहिए, जो कि आप इस एकेडमिक ईयर में भर रहे हैं तो इसी में होना ही चाहिए, वो तो पता ही होगा, अपना राज्य सही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो मेन चीज़ गलती होता है यहाँ पर कम्युनिटी में होता है कि कोई लोग जो है यहाँ पर अगर OBC रहता है तो SC चुन लेता है या ST चुन लेता है, या फिर यहाँ पर जो है कुछ भी अपना जो है गलती कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ जो है कैसे चुनना है, तो आपको जो है अपने बोर्ड के अनुसार चुनना है, यानी जिस बोर्ड से आपने पास किया है उसमें आपका क्या लिखा हुआ है, SC लिखा है या ST लिखा है, ठीक है, या फिर OBC लिखा है या फिर जनरल लिखा है, वो उस अनुसार आपको चुनना होगा। जैसे कि कोई मेरिट के हिसाब से अगर कोई स्कॉलरशिप मिलता है तो उसमें जो है आपका लिस्ट आता है, तो उसमें आपका क्या लिखा है, SC लिखा है या ST लिखा है, उस हिसाब से ही आपको चुनना होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, ये मेन चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये सब है ही। उसके बाद एनुअल इनकम जो है आपको ज़्यादा नहीं करना है, जो रेंज होता है उसका स्कॉलरशिप का, आप उस स्कॉलरशिप के बारे में सब कुछ अच्छे से जान लीजिएगा और उतना ही आपको डालना होगा, ठीक है, यानी कि उससे कम या फिर उतना तक डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डिटेल्स भी सही डालना है आपको, अनमेरिड है, मैरिड है, ये चीज़ सब, ठीक है, अपना। उसके बाद जो है एड्रेस में तो खास दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 नेक्स्ट करेंगे, तब जो है आपको अपना इंस्टीट्यूट चुनना होता है, और इंस्टीट्यूट में जो है आपको प्रेजेंट ईयर ध्यान रखिएगा, सही से चुनिएगा, ठीक है, अपना कोर्स भी सही से चुनिएगा। उसके बाद क्लास स्टार्ट डेट, इस सबसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और एडमिशन ईयर वाले में भी सही से चुनिएगा कि किस साल एडमिशन हुआ है, ये भी सही से चुनना होता है, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ जो होता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर जो होता है ये प्रीवियस एकेडमिक ईयर डिटेल्स, इसमें भी जो है आपको बिल्कुल सही डालना है, अपना बोर्ड सही से चुनना है, आप किस साल पास हुए हैं वो सब सही से चुनना है, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर हमने चुना है इस स्टूडेंट का। उसके बाद प्रीवियस क्लास परसेंट सही से डालना है, 10th का भी डिटेल्स आपको सही से डालना है, जैसे कि देख सकते हैं रोल नंबर पूरा सही से डालना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए 12th वाले में जो है ये चीज़ मेन होता है, जब आप सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप भरते हैं तो यहाँ पर जो है 12th वाला जो है रोल नंबर जो होता है ये मेन होता है, जैसे कि बिहार के लिए यहाँ पर जो है रोल नंबर और रोल कोड दोनों डालना है, जैसे कि देखिए रोल कोड है इसका जैसे कि 51202, तो ये डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये डैश भी डालना होता है, ठीक है, यानी इसको जो हाइफ़न कहते हैं वो भी डालना होता है, ठीक है, जैसे 51202 और यहाँ पर डालना होगा हाइफ़न, ठीक है। अब ये रोल नंबर सही हुआ, इसके बाद करेंगे तो स्कीम दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि आपको जो है आपका डिटेल्स पहले से ये आया हुआ है, 12th का मार्क्स परसेंट जितना है वो सही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप NMMS भर रहे हैं, जैसे कि NNMS स्कॉलरशिप होता है जिसमें कि एग्ज़ाम के बेसिस पर आपको मिलता है स्कॉलरशिप, तो उसमें जो है आपको क्वालिफाई कौन सा एग्ज़ाम किए हैं, किस स्टेट से किए हैं, ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान से डालना होता है, जैसे कि देख लीजिए। और उसका रोल नंबर तो आपको बिल्कुल ही ध्यान से लिखना है, कोई भी गलती नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम का ईयर कब हुआ था, यानी किस साल में ये एग्ज़ाम हुआ था, वो भी आपको जो है सही से चुनना होता है, चाहे देश के किसी भी राज्य से हैं। अगर आप CSS भर रहे हैं, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम भर रहे हैं, तो 12th का डिटेल्स आप बिल्कुल सही से डालेंगे, आपके राज्य में जैसे जैसे डलाता है आपको बोर्ड बता ही दिया होगा कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन आपको जो है फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं, मैंने बता ही दिया कि NMMS है या फिर कोई भी जो एग्ज़ाम, जो आपको एग्ज़ाम ले करके मतलब आप क्वालिफाई होते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो उसमें जो है आपका रोल नंबर सही से डालना है, और ये बोर्ड जो है मतलब कौन एग्ज़ाम कराया वो सब सही से डालना है। उसके बाद यहाँ पर 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, सब कुछ सही डालेंगे उसके बाद ही यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो है यहाँ पर शो हो जाता है
देख सकते हैं स्कीम, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कीम इनका जो है आ चुका है यहाँ पर जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि सही डिटेल्स आपको रोल नंबर, अपना बोर्ड, आप किस साल पास हुए हैं, आपका जो है जेंडर और आपका जो है कम्युनिटी माने किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको जो है सही डालना होगा, यानी कि कैटेगरी वो सब सही डालेंगे तभी जो है आपका ये चीज़ जो है शो होगा आपका स्कीम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक देख सकते हैं कि स्पेसिफिक जो है डिटेल्स का ऑप्शन आता है, यानी आप जो है 12th में क्या चीज़ किए हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, तो वो चीज़ आप चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करके फाइनल सबमिट कर देंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वाले में एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो है ऐसे जिसमें भी दिख रहा है वो जो है मैंडेटरी है, ठीक है। जैसे कि इसमें दिख रहा है इनकम सर्टिफिकेट में, तो ये जो है मैंडेटरी है, उसके बाद 12th वाला भी मैंडेटरी है, लेकिन ये चीज़ में मैंडेटरी नहीं है जो कि देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ जो है आपको देना होगा, इनकम और 12th का मार्कशीट। तो इस तरीके से मैंने बता दिया आपको कि क्या जो है आपको सावधानी बरतनी है अगर आपको जो है नो स्कीम अवेलेबल बता रहा है तो आपको जो है क्या करना चाहिए, ये सारा जानकारी मैंने बता दिया। आशा करते हैं आप इस बात को समझ चुके होंगे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।